लोग गेम डेट लगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एफसीआई रिक्वायरमेंट 2019 असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई हैज इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। पहले इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। वो क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका सबका चेकअप किया जाएगा, आपकी डिग्रीज फुल प्रूफ हैं कि नहीं है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है अपनी डिग्रीज वो फेक तो नहीं है, एंड आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सब कुछ क्लियर होने के बाद आपके वैकेंसी में सेलेक्ट किया जाएगा। दी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 4103। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4103 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज एंड डिफरेंट वैकेंसी वाइज पोस्टेज डिवाइड की गई हैं। The applications have to be submitted online. आपकी application online submit होगी on the official website पर और Food Corporation of India FCI। इस job से related आपको सारी जानकारी PDF में available हो जाएगी students। आपको इस website पर जाना है www.fci.government.in। इस website पर जाकर आप PDF checkout कर सकते हैं। PDF में सारी जानकारी इस job से related English में available है students। आपको सारी जानकारी PDF में English में अवेलेबल की गई है। आप जाइए वेबसाइट पर विजिट कीजिए, पीडीएफ पूरा पढ़िए, केयरफुली पढ़िएगा स्टूडेंट्स। आपके सारे क्वेरीज पीडीएफ में सॉल्व हो जाएंगी। काफ़ी सारी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी पीडीएफ में दी गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स मेंशन की गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल की आपकी वैकेंसी है। 117 आपकी पोस्टेज हैं, यानी कि 117 सीट्स खाली हैं। नेक्स्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की आपकी वैकेंसी है। 72 पोस्टेज हैं इसमें, 72 सीट्स खाली हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टैनो ग्रेड सेकंड की आपकी वैकेंसी है, 76 सीट्स इसमें खाली हैं। नेक्स्ट है आपकी AG सेकंड हिंदी के लिए स्टेनोग्राफर में ही वैकेंसी है, 45 सीट्स इसके लिए खाली है। टाइपिस्ट की वैकेंसी है हिंदी के लिए, 39 सीट्स इसमें खाली है स्टूडेंट्स। AG थर्ड जनरल के लिए आपकी वैकेंसी है, 757 सीट्स इसमें भी खाली है। AG थर्ड के अकाउंट्स में वैकेंसी है, 509 इसमें सीट्स खाली है। नेक्स्ट है आपकी AG थर्ड टेक्निकल की वैकेंसी है, उसमें 720 सीट्स खाली है। एंड नेक्स्ट है आपकी AG थर्ड रिपोर्ट की वैकेंसी के लिए 1771 सीट्स खाली हैं। आपने जिस भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है, जिस भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप चेकआउट कीजिए पीडीएफ में एंड अपना फॉर्म फिलअप कीजिए अगर वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो स्टूडेंट्स। पे स्केल आपको यहाँ पर डिफरेंट वैकेंसी वाइज मेंशन किया गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, पे स्केल आपको दिया जाएगा ₹11,100 से लेकर ₹29,950। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो वैकेंसी है, पे स्केल इसमें मेंशन किया गया ₹11,100 से लेकर ₹29,950। नेक्स्ट है आपकी स्टेनो ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, पे स्केल आपको दिया जाएगा ₹9,900 से लेकर ₹25,530। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी AG सेकंड हिंदी की जो वैकेंसी है, पे स्केल ₹9,900 से लेकर ₹25,530 आपको पे स्केल दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी टाइपिस्ट हिंदी की जो वैकेंसी है, पे स्केल ₹9,300 से लेकर ₹22,940 पे स्केल आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी AG थर्ड जनरल की जो वैकेंसी है, उसमें पे स्केल आपको ₹9,300 से लेकर ₹22,940 पे स्केल दिया जा सकता है। AG थर्ड अकाउंट्स की नेक्स्ट वैकेंसी है, पे स्केल ₹9,300 से लेकर ₹22,940 पे स्केल आपको दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। AG थर्ड टेक्निकल की जो वैकेंसी है, ₹9,300 से लेकर ₹22,940 पे स्केल आपको दिया जा सकता है। AG थर्ड रिपोर्ट की जो वैकेंसी है, पे स्केल ₹9,300 से लेकर ₹22,940 पे स्केल आपको दिया जा सकता है।
आर्टिकल्स ही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट अलॉन्ग विद ओ लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ डी ओ ई ए सी सी एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट एंड रिस्पेक्टिवली और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट एंड रिस्पेक्टिवली। ए जी सेकेंड हिंदी की जो वैकेंसी है क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट एंड वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। ओके स्टूडेंट्स, एक साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का एंड आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट होनी चाहिए। टाइपिस्ट हिंदी की जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एंड 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इन हिंदी टाइपिंग में आपकी होनी चाहिए अगर आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ए जी थर्ड जनरल की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए। ए जी थर्ड अकाउंट्स की जो वैकेंसी है क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर कॉमर्स में आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। ए जी थर्ड टेक्निकल की जो वैकेंसी है बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी इन बोटैनी जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी फूड साइंस और बीटेक बीई इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी। इस वैकेंसी के लिए आपकी बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए फूड साइंस में या फिर फूड एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग में। आपने जिस भी साइड से अपनी लाइन ज्वाइन करनी है आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ए जी थर्ड रिपोर्ट की जो लास्ट वैकेंसी है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से कंप्लीट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट होनी चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स का रखा गया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन 20 मार्क्स का रखा गया है एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। टोटल 20 मिनट्स तीनों सब्जेक्ट्स में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। इंग्लिश में आपको 20 मिनट के अंदर आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एंड रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं और मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स है स्टूडेंट्स एंड आप रिसेंटली कलर्ड फोटो खिंचवाएंगे 20 KB to 50 KB के बीच में एंड ब्लैक पेपर आप यूज़ मत कीजिएगा सिग्नेचर के लिए। कोई कलर पेपर यूज़ मत कीजिएगा, वाइट पेपर यूज़ कीजिएगा, उसमें ब्लैक इंक पेन या फिर ब्लू इंक पेन से ही सिग्नेचर कीजिएगा 20 KB to 50 KB के बीच में। साइज PDF में मेंशन कर दिया गया है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। फर्स्ट जनवरी 2019 तक आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टैनो ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी मैक्सिमम 25 ईयर्स एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 तक 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए जी सेकंड हिंदी की जो वैकेंसी है मैक्सिमम 28 ईयर्स एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हिंदी के लिए टाइपिस्ट हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 25 ईयर्स एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 25 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2019 तक टाइपिस्ट हिंदी के लिए। ए जी थर्ड जनरल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ए जी थर्ड अकाउंट्स में के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 तक 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए जी थर्ड टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 तक। ए जी थर्ड रिपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 27 ईयर्स एज एज ऑन 1 जनवरी
नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड आपकी सारी डिग्रीज फुल प्रूफ होनी चाहिए, आपकी बैंक डिटेल सब कुछ राइट होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, परमानेंट एड्रेस सब कुछ राइट भरिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। एंड आपको एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली दिया जाएगा। ये जितनी भी वैकेंसीज के लिए लास्ट एज मेंशन की गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एंड एसटी कैटेगरी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली दिया जाएगा। एंड ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स एंड एक्स सर्विस मैन को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड एस सी एस टी की डिग्री अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं तो आपको 15 साल का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। एंड एस सी एंड एस टी कैटेगरी को फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड अगर आप ओ बी सी कैंडिडेट्स हो लेकिन फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हो तो आपको 13 ईयर्स यानी कि 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट्स रूल के अकॉर्डिंग आप पीडीएफ में सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर मेंशन की गई, फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फी है, यानी कि ₹500 जनरल एंड ओबीसी को जमा करने हैं अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो एंड एग्जाम देना चाहते हो तो। फॉर एस सी एस टी फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट फॉर फीमेल के लिए नो फी, कोई फी नहीं है स्टूडेंट्स, आप फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड एग्जाम दे सकते हैं। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स आपको जो मेथड सूटेबल लगता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप उस मेथड के जरिए अपनी एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 फरवरी 2019 आपकी स्टार्टिंग डेट है। एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च 2019 आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो, आपने क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की है तो आप 25 मार्च 2019 से पहले पहले अप्लाई कर सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लेते हो उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लेना स्टूडेंट, प्रिंट आउट आपके आगे चलकर काम आएगा। एंड 25 मार्च 2019 आपकी लास्ट डेट है। पीडीएफ में टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट मार्च या अप्रैल मेंशन की गई है, इसके आगे पीछे भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, टेंटेटिव डेट है, फिक्स डेट आपके एग्ज़ाम की मेंशन नहीं की गई है। एंड आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है आपके वेबसाइट पर, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें आपके एग्ज़ाम सेंटर मेंशन किया गया होगा। पीडीएफ में बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स एंड जोन वाइज मेंशन किए गए हैं, सारे स्टेट्स के नेम है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो पीडीएफ में चेकआउट कर लीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए, देन अप्लाई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड मेरे